नमस्कार, किस्मत कनेक्शन कार्यक्रम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतू गौर किला आर्या। जी हाँ, किस्मत कनेक्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसको हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए और जिसमें बात करते हैं हम आपके पूरे दिन की, आपका दिन कैसा जाने वाला है और इसके साथ ही आपके भविष्य की, आपका भविष्य कैसा रहेगा। आप लोगों के मन में, सभी के मन में ये शंकाएं होती हैं कि किस क्या परेशानी होगी और जो परेशानियां हैं वो परेशानियां कैसे कम हो, क्या उपाय हम ऐसा करें जिससे कि हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं। तो उसी का उपाय हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। रंजना जी ज्योतिष अंक शास्त्री हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे आज की हो गई है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं, मन में जो भी शंकाएं हैं वो आप इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। टेलीफोन लाइन्स भी हमारी खुल चुकी हैं अगले आधे घंटे के लिए, तो देर मत कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम आज की रंजना जी अंकों के साथ। अंक एक आज का क्या कहता है, कैसा पूरा दिन रहेगा? एक अंक वालों के लिए हम देखते हैं दिन बहुत ही बढ़िया निकला है और डेफिनेटली इनको फाइनेंशियल सिचुएशन जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा टेंशन परेशानी में दिखाई दे रहे हैं वो डेफिनेटली इनकी अब खत्म होने वाली है। इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना चाहिए। काम में ये बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, वर्कहॉलिक हैं, ऐसे ही काम करते चले जाइए और आपके आगे देखिए आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगी। खाली आपसे यही एक गुजारिश है कि आप थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए अपनी लाइफ में। आप कहीं ना कहीं अपने घर वालों को, सबको थोड़ा सा निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, उससे बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आपका रंग भी बहुत अच्छा है, गोल्डन कलर, और आपका जो अंक है वह है नंबर 3। केले के पेड़ पे हो सके तो जरूर आज आप थोड़ा सा हल्दी और चने की दाल और गुड़ चढ़ाइए और फिर अपने कार्य पे जाइए, फिर आप देखिए आपके सारे काम बहुत ही आसानी से होंगे। बिल्कुल, काम बहुत आसानी से होंगे, दिन भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उपाय भी आपको करते रहने हैं जो इस कार्यक्रम में रंजना जी बताती हैं। आगे बढ़ते हैं रंजना जी, दो अंक क्या कहता है आज का, कैसा रहेगा दो अंक वालों का दिन? दो अंक वालों के लिए हम देखते हैं कि इनकी कहीं ना कहीं बेटी को लेके, बच्चों को लेके बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिख रही हैं जिस करके ये टेंशन में है, मगर हम इनको ये बता दें कि जो भी सिचुएशन आई है इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही है, तो इसको थोड़ा सा खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़े से मीठे पूड़े बनाइए और कहीं ना कहीं किसी गरीब को दान कर दीजिए ताकि जो ये मन की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं बच्चों को लेके, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएं। तो आप मीठे पूड़े बनाइए और उनको जाके थोड़ा सा गरीबों में बांट दीजिए, उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। आपका रंग भी बहुत अच्छा है, वो है लाल रंग, और आपका जो अंक है वो है नंबर 9। बिल्कुल, नंबर आपके बहुत अच्छे हैं और इसी के साथ ही दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मंजीत कुमार जी। मंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मेरा नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं ये पूछना चाहता कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, तो कब तक लग जाएगी? आप अपने डेट ऑफ बर्थ बता दें मंजीत जी। मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 9/9/89 है। 9/9/89, हाँ जी मैम। ठीक है, बता रही है मैम, लाइन पे रहिए। गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी पूछना चाह रहे हैं वो? देखिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब हमें तो दिखाई दे रहा है बहुत जल्द लगेगी। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मगर आपको हम एक ये छोटा सा उपाय बताना चाहते हैं कि आप हर मंगलवार वाले दिन कोई भी गुड़ की बनी हुई चीज जो है वो किसी भी अपंग को देना शुरू कर दीजिए, उससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। और हनुमान जी का भी जरूर वहां से आशीर्वाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जितने भी कार्य हैं वो थोड़े से रह जाते हैं, तो ये जो विघ्न आपके आ रहे हैं ये छोटा सा उपाय करने से उससे आपका ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब आपको हम देखते हैं कि डेफिनेटली मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। हम देखते हैं कि इसी साल के अंदर अंदर, नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर आपको चांस बहुत अच्छा मिलेगा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, साथ साथ सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ कीजिए इस इंटेंशन के साथ कि भगवान आशीर्वाद दीजिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। छोटे छोटे उपाय हैं, जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मंजीत जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो इस कार्यक्रम में रख रहे हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं जिन्होंने अभी तक अपना टीवी स्क्रीन ऑन नहीं किया है, उनके लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं और उपाय भी यहां पर आपको बता रही हैं रंजना जी।
कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं रंजना जी, अंक तीन में आए, तीन अंक आज का क्या कहता है, कैसा तीन अंक वालों का पूरा दिन रहेगा? तीन अंक वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, इनका काम काज बहुत अच्छा चल रहा है। वही ये कहीं ना कहीं नए निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, जिस कारण ये बहुत ज्यादा टेंशन परेशानी में है, मगर हम इनको यही सजेशन देते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए, आराम से बैठ के सोच समझ के कार्य कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड जा रहे हैं वो दिखाई दे रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन जो आप लेंगे उससे आपको लाभ नहीं होगा। आराम से सोच समझ के जो भी कार्य करना है उसको आप करिए, और उसके साथ साथ हम आपको यही सजेशन देते हैं कि रोज अपने माथे पर थोड़ा सा दही का तिलक लगाना शुरू करिए, जिसमें हल्दी लगी होती है, ताकि आपका माइंड थोड़ा शांत हो। अब बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो भी डिसीजन लेनी हो ध्यान से आप लीजिए और आपके कार्य फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। आपका रंग तो वैसे बहुत अच्छा है, वो है ऑरेंज कलर, और आपका जो अंक है वो है नंबर एक। और इसी के साथ देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहते हैं आप? देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? लग रहा है कि आवाज उनको नहीं मिल पा रही हमारी। चाहेंगे कि आप दोबारा से कार्यक्रम में जुड़ें और जो आप पूछना चाहते हैं वो आप इस कार्यक्रम में जुड़ के जरूर पूछें। आगे बढ़ते हुए रंजना जी, चार अंक पर आए हम, तो चार अंक क्या कहता है आज का, कैसा रहेगा चार अंक वालों का दिन? चार अंक वालों का दिन हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मगर लगता है कोई ना कोई लिटिगेशन, कोई ना कोई ऐसी चीज इनके लाइफ में हुई है, थोड़ा सा वाद विवाद में इनको दिखता है कि फंसे हुए हैं। उसके लिए हम सजेशन यही देंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर तरफ से दिखाई दे रहा है कि आप ठीक हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी करके आई हुई है, तो उसके लिए हम सजेशन यही देंगे, एक छोटा सा उपाय है, बाजरा चीनी, इसका रोज चिड़ियों और चींटियों को दान करना शुरू कीजिए, इससे जितने भी आपके शत्रु होंगे उनका नाश होगा और आप आगे चलकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपकी जितनी भी सिचुएशंस हैं आपके फेवर में जाएंगी। आपका रंग भी बहुत सुंदर है, ब्लू कलर है, और आपका जो अंक है वो है नंबर आठ। और इसी के साथ राजबाला हमारे साथ जुड़ी हैं, दर्शक। राजबाला जी बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम, मेरा पोता 10वां महीना 11 तारीख में 2 साल का हो जाएगा जी, और रात को 1:40 का जन्म है इसका जी, डेट ऑफ बर्थ। और इसके हमें मतलब पता नहीं चोट वगैरह दिक्कत वगैरह बहुत होती है, तो इसका कोई रुपया उपाय, कोई नाम नूम, कोई ऐसा मतलब नाम से नहीं है, पता नहीं क्या नहीं। हाँ, आप राजबाला जी डेट ऑफ बर्थ बता दें, उसका नाम भी। मेरा बताओ या बेटा का? नहीं नहीं नहीं, आप जिनके लिए पूछ रही हैं, बेटे का, पोते का, उसका नाम और जन्म तिथि बता दें। मेरा पोता का नाम है जय। जय, और जन्म तिथि क्या है? जन्म तिथि अब 2 साल का हो जाएगा, ये 10वां महीना 11 तारीख में। चलिए, वो लग रहा है उनको नहीं पता है, सन 2 साल का ये है बच्चा, 16 की हुआ ना? हाँ, 16 हुआ जन्म, जय नाम है। देखिए, इनके लिए जो इनको इतनी ज़्यादा चोट लगती है उसके लिए मैं यही सजेशन दूंगी कि एक तो हर शनिवार वाले दिन इनके हाथ से कुछ ना कुछ आप दान कर दीजिए, नहीं तो आप उनकी दादी हैं तो आप ज़रूर जो है इसको आप हर शनिवार वाले दिन कोई भी काली वस्तु का दान कर दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और साथ साथ 2 रोटी गुड़ और उस पर थोड़ा सा काला तिल रख के किसी भी गाय को रोज खिलाना शुरू कीजिए, फिर आप देखिए इनका जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगे। मंगल और शनि थोड़े खराब हों इसी कारण इनको चोटें बहुत ज़्यादा लगती हैं, हो सकता है इनको सिर पर ज़्यादा चोटें लगती हों, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा ये जो उपाय बता रहे हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राजबाला जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं रंजना जी, अंक चार क्या कहता है आज का, कैसा चार अंक वालों का पूरा दिन रहेगा, कैसा भविष्य रहेगा? हम देखते हैं कि आगे जो भविष्य है इनको बहुत ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद है इनके ऊपर, इनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी जो इनकी इमोशनल लाइफ है उसमें भी देखते हैं बहुत ज़्यादा इनको, इनके लिए अच्छा है, बिल्कुल बहुत फेवरेबल है। थोड़ी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पर दिख रही है उसको हम यही सजेशन देंगे कि आप रोज़ तुलसी जी के ऊपर केसर युक्त जल डालना शुरू कीजिए, फिर आप देखिए आपके घर में बहुत ज़्यादा शांति आने लग जाएगी। और इसके साथ साथ हो सके तो चींटियों को भी रोज़ थोड़ा आटा और चीनी देना शुरू कर दीजिए सुबह के समय, उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका रंग जो है वो है ग्रे, और आपका जो अंक है वो है नंबर 4। बिल्कुल,
अंक और नंबर आपका बहुत अच्छा है। मीना हमारे साथ जुड़ी है, दर्शक हैं। मीना जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं जी बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, डिवोर्समेंट के बारे में जी। जी नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दें आप। नाम जी विवेक। विवेक, और जन्म कब हुआ था, सन और तारीख? 19 जून 1995 जी। विवेक जून 1995। क्या पूछना चाहती हैं? गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए? चलिए ठीक है, मीना जी बता रहे हैं, लाइन पे रहिएगा। देखिए गवर्नमेंट जॉब इसको मिलेगी जरूर, मगर थोड़ा सा इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इसकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, थोड़ी हेल्थ को लेके भी इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, मगर इनको ये कहिए कि सूर्य को जल जरूर देना शुरू कर दें, और ये जैसे हमने पहले भी बताया है आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ करें। अगर वो मुश्किल लगता है तो हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके चरणों से तिलक लगा के अपने माथे पर लगाएं, फिर आप देखिए ये बहुत ज्यादा सफल होंगे, आगे चल के इनको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। ये छोटा सा उपाय हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसको करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये उपाय करने हैं जो आप घर में ही कर सकते हैं। वक्त हो गया हमारे कार्यक्रम में छोटा सा ब्रेक लेने का, ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर कार्यक्रम आगे कंटिन्यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, किस्मत कनेक्शन कार्यक्रम देख रहे हैं आप, और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आपके पूरे दिन की, आपका पूरा दिन कैसा जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर आपको क्या उपाय करना है, इसको लेकर भी हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। रंजना राणा जी मेरे साथ बनी हुई है स्टूडियो में और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रंजना जी, जिस तरीके से हम अंकों की बात कर रहे हैं और 6 अंक में अगर हम आए तो क्या कहता है आज का 6 अंक कैसा रहेगा, पूरा दिन 6 अंक वालों का? 6 अंक वालों के लिए हम देखते हैं काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं किसी कार्य के लिए जो कि इनका कार्य नहीं हो रहा, इसलिए हम इनको ये सजेशन देते हैं कि कार्य देखिए आपका एकदम होने वाला है, उसमें आप इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स आते हैं सबकी लाइफ में और आपकी बाधाएं भी आ रही हैं, मगर हर बाधा से आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, उसको ठीक करने में ही आपके जो एक्सपीरियंस गेन करता है, यही एक्सपीरियंस आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका हम देखते हैं जो काम होने वाला है बहुत जल्द हो जाएगा, बिल्कुल भी आप टेंशन परेशानी मत लीजिए। आपका रंग भी बहुत अच्छा है, वो है ग्रीन कलर, और आपका जो अंक है वो है नंबर 5। हरी मूंग की दाल किसी भी को भी देते हुए घर से निकलिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। आपका जो अंक है वो है ग्रीन और आपका जो रंग है वो है हरा। बिल्कुल, नंबर और रंग आपका बहुत अच्छा है और अच्छा बनाने के लिए आपको ये उपाय जो बताए गए हैं वो आप जरूर करें। रंजना जी, देवशयनी एकादशी के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में क्या हमें करना चाहिए उपाय और किस तरीके से ये एकादशी जो होती है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है? देखिए आज है देवशयनी एकादशी है, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है, मगर आज से चतुर्मास शुरू होगा और 4 महीने के लिए हम देखते हैं कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा। इस दिन अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत रखें, निर्जला व्रत रखें, फलाहार में व्रत रखें, या आप इसकी कथा करें या सुने, इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। बहुत ज़्यादा जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल्स जो बाधाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। आज के दिन आप लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की आपको पूजा करनी चाहिए, उनको जैसे हमने यह दक्षिणवर्ती शंख रखा है उससे आप अभिषेक कीजिए। केसरयुक्त जल से भी उनका अगर आप अभिषेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको धन्य धान्य उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ शाम तुलसी के सामने अब आप एक दीपक जलाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। आज के दिन विष्णु जी को पीला रंग पसंद है, इसलिए उनको पीले कपड़े पहनकर, पीले वस्त्र पहनकर, उनको पीले रंग के फूल फल और पीली मिठाई से ही अगर आप उनकी पूजा करेंगे उससे बहुत ज़्यादा आपको फल मिलने वाला है। तो विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की जितनी भी आज आप उपासना करेंगे उससे बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आप ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय नमः का 108 बारी जाप करेंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे रंजना जी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। तेजवीर जी आपका क्या कहना, पूछना चाहते हैं आप? सुन पा रहे हैं आप?
लग रहा संपर्क हमारा कट गया है, चाहेंगे कि दोबारा से आप इस कार्यक्रम में जुड़ें। तो देवश्रेणी एकादशी के बारे में रंजना जी आपने बताया कि आज वो एकादशी है और इसलिए आज आपको जो रंजना जी ने बताया है वो आप करें अपने घर में, और कैसा फल मिलता है इसका करने से ये भी आप बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, किस तरीके का फल। देखिए जब आप विष्णु जी की पूजा करेंगे उनसे भी उनके जितनी बाधाएं हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, एंड स्पेशली लक्ष्मी जी के साथ अगर हम करेंगे उससे भी बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। लक्ष्मी जी आपको पता है धन धान्य की देवी है, उनकी पूजा करने से समस्त प्रॉब्लम्स भी आपकी खत्म होंगी जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए इनकी आज पूजा करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ छोटा सा एक उपाय ये भी है कि आज अपने घर की साफ सफाई करने के बाद उसके बाद हल्दी का पानी या गंगा जल अपने के दरवाजे के बाहर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, उससे एकदम शुद्धि हो जाएगी और आपके घर के अंदर एकदम पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। अब 4 महीने के लिए जैसे कहते हैं कि कोई भी ज़्यादा धार्मिक कार्य नहीं होते हैं, और ये देव शयनी जो है जब सूर्य तुला राशि में जाएगा उसके बाद हम देखते हैं उन विष्णु जी का जो शयन है वो समाप्त होगा और उसके बाद फिर हमारी जो लाइफ में धार्मिक कार्य जो भी हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। चलिए धार्मिक कार्य आज हम कर सकते हैं और इसका जो है बहुत फायदा कहें या लाभ आपको मिलेगा। अंकों में आगे बढ़े रंजन जी, 7 अंक क्या कहता है आज का, कैसा 7 अंक वालों का पूरा दिन रहने वाला है? 7 अंक वालों के लिए हम देखते हैं कि इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने बिजनेस में, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। मेहनती बहुत है, हर कार्य में सफल होते हैं, मगर थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा इनको अपनी माता जी की जो स्वास्थ्य का है उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ हम इनको यही कहेंगे कि आज हो सके तो दूध और चीनी का दान अवश्य करें, इससे बहुत ज़्यादा आपकी मदर के लिए भी ठीक होगा और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपका रंग जो है वो है ब्राउन और आपका जो अंक है वो है नंबर 7। बिल्कुल, रंग और अंक आपका दोनों का बहुत अच्छा है और दिन भी काफी अच्छा रहने वाला है। 8 अंक में आए रंजना जी, 8 अंक क्या कहता है, कैसा 8 अंक वालों का आज का पूरा दिन रहने वाला है और कैसा भविष्य रहेगा? 8 अंक वालों के लिए हम इनको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य करिए, आप बहुत जल्दबाजी में हैं, कहीं ना कहीं आपको इसी जल्दबाजी के कारण थोड़ा सा धोखा भी फेस करना पड़ा है। अब भी हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अपने जो गुस्से को थोड़ा नियंत्रित कीजिए और थोड़ा सा आप पेशेंस लेके आइए, थोड़ा सा धैर्य लेके आइए, फिर आप देखिए आपके कार्य बहुत अच्छे से होने लग जाएंगे। ओम नमो शिवाय का जाप अवश्य करते रहें ताकि थोड़ा सा आपके अंदर सौम्यता है, इससे आप जो भी काम करेंगे 10-15 दिन के बाद उसके बाद आप देखिए आपके काम बहुत अच्छे होंगे, सुगमता से होंगे और कोई भी कार्य करें एकदम अलर्ट रहकर करिएगा। आपका रंग तो वैसे बहुत अच्छा है, वो है पिंक कलर और आपका जो अंक है वो है नंबर 6। बिल्कुल, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको उपाय अपने घर पर करने हैं, ये उपाय करिए समस्या दूर हो जाएगी। 9 अंक में आए रंजना जी, आज का 9 अंक कैसा रहने वाला है, 9 अंक वालों का पूरा दिन और भविष्य? 9 अंक वालों के लिए हम देखते हैं इनकी थोड़ी सी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी सिचुएशन, जैसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर थोड़ी चल रही है, उसको ठीक करना जितनी भी जल्दी ठीक कर सके उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। सजेशन यही देते हैं कि दोनों अगर ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, उसका आज आप जाप अवश्य करें, 108 बार करें तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो एटलीस्ट 11 बारी जरूर कीजिए ताकि जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी खत्म हो जाएं। एक दूसरे की इज्जत कीजिए, थोड़ी सी सौम्यता लाइए एंड थोड़ा सा यही सोचिए कि देखिए एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने में ज़्यादा मुश्किल होता है मगर उसको मुश्किल को आसान करना बहुत इजी होता है अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें। जो भी हैं आपके लाइफ पार्टनर उनकी जैसे भी है उनको एक्सेप्ट कीजिए और खुशी खुशी आप आगे बढ़िए। आपका रंग भी बहुत ही अच्छा है, वो है सफ़ेद और आपका जो अंक है वो है नंबर 2। बिल्कुल, नंबर और जो अंक है आपका कलर है वो बहुत अच्छा है लेकिन जिस तरीके से रंजना जी ने बताया है कि एक अनबन होती रहती है, उस अनबन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि रिश्तों से दूर भागना चाहिए। रंजना जी हमेशा इस बात को कहती हैं और रिश्तों का मोल आप समझिए क्योंकि रिश्ते बनाने से ही बनते हैं, टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कार्यक्रम में वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। रंजना जी बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। फिर हाजिर होंगे हम आप सभी के बीच इस कार्यक्रम को लेकर यानी कि किस्मत कनेक्शन को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।